सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग की। काफी टफ ये सेक्शन है क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होता है। केवल फिलोसफी जिनका पेपर टू है उनको वर्बल रीजनिंग अच्छे से पता होगा, लेकिन बाकी हम सबके लिए वर्बल रीजनिंग बहुत कठिन होता है क्योंकि कभी भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। आज हम वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे, या कहने की लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है कि क्या क्या जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट हैं और उनको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है क्योंकि केवल उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा जो यूजीनेट का सिलेबस दिया है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं, सारी चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। इस वीडियो का एम ये होने वाला है कि आपको सारे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, कोई भी ऐसी चीज ना रहे कि आपको एग्जाम में जाए और आपको पता ही ना हो कि ये कैसे होगा, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो हाँ, सारे वर्ड्स की जो टर्मिनोलॉजीज है उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वर्बल रीजनिंग अगर आपकी वीक है प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन है वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बीच में। अगर हम बात करें यूजीसी नेट के सिलेबस की तो उसमें भी वर्बल रीजनिंग के ऊपर जो टॉपिक दिया है वो लॉजिकल रीजनिंग दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों ही चीजें टॉपिक में डाल दी हैं कि भाई वर्बल या लॉजिकल, जिससे भी आपको समझना है आप उसको समझ लें, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स, प्रिमाइस, कंक्लूजन, सिलोजिज्म्स, ये सब चीजें आती हैं और टर्म बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलें या वर्बल रीजनिंग बोलें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही टर्म है वो वर्बल रीजनिंग है क्योंकि ये सब भाषा के बारे में है। लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स के बारे में होता है इसलिए उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लॉजिकल फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो आइए, वर्बल रीजनिंग या नेट के सिलेबस में जो लिखा है लॉजिकल रीजनिंग, उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सिलेबस यहाँ दिया हुआ है और लॉजिकल रीजनिंग ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये सिलेबस थोड़ा बड़ा है, 2 पेज का है, 2 पेज में बना और मैंने काफी इसको सॉर्ट आउट करा है अलग अलग कलर से आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। तो 3 कलर आप देख सकते हैं, लाल कलर से जो भी ये चीजें लिखी हैं, लाल कलर का मतलब है कि ये चीजें सिलेबस में नहीं लिखी थी, तो मैंने ऐड करी हैं क्योंकि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है और ये टर्म्स जो है ये सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं। ब्लू से लिखे हैं मतलब सब हेडिंग्स हैं और ब्लैक से जो लिखी हैं वो मेन हेडिंग्स हैं। तो आइए वन बाय वन इनको समझते हैं और कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इतने इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा पाऊं कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन इसको देखने के बाद आपको चीजें काफी ज्यादा क्लियर होने वाली है, मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें 2 चीजें लिखी हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन AEIO। इसको समझ लेते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ बनाया है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और क्या उनका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स जो है 80% आपका वर्बल रीजनिंग का एरिया को कवर करता है, सब इसके अंदर से आता है। आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम काफी दूसरे टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट क्या होता है। तो वर्बल रीजनिंग, क्योंकि ये भाषा की रीजनिंग है, तो भाषा की रीजनिंग में जो एक भाषा में हमारी जो एक कंप्लीट यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है। शब्दों से, या कह लें कि हमारे अल्फाबेट और लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से एक मीनिंगफुल जो चंक बनता है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस ये 2 टाइप के हो सकते हैं, स्टेटमेंट और नॉन स्टेटमेंट। तो हम यहां वर्बल रीजनिंग में केवल स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब स्टेटमेंट टाइप क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम घर जा रहा है, तो हो सकता है कि राम घर नहीं जा रहा हो, मैं फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे कोट कर रहा हूं और मैं झूठ बोल रहा हूं। मतलब कोई भी सेंटेंस जिसको ट्रू या फॉल्स में हम बता सकते हैं वो स्टेटमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इस तरीके से तो हर सेंटेंस को हम बता सकते हैं, कुछ सेंटेंस को हम ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकते, जैसे क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन को आप क्या बोलेंगे, सच है झूठ है? अगर मैं बोलूं कि क्या राम घर जा रहा है, तो ये तो क्वेश्चन है ना, ये सच्चा क्वेश्चन, झूठा क्वेश्चन ऐसा तो हम कह नहीं सकते। हाँ, इसका आंसर सच या झूठ हो सकता है। तो कोई भी सेंटेंस जो सच या झूठ हो सकता है, या फॉर्मल टर्म्स में कहें जिसमें ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट होता है। हम वर्बलिज्म में केवल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अब स्टेटमेंट के बाद हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट में 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, मिनिमम 2 स्टेटमेंट से मिलकर आर्ग्यूमेंट बनता है, और उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं, पहला स्टेटमेंट होता है प्रिमाइस और दूसरा स्टेटमेंट होता है कंक्लूजन। अब प्रिमाइस कंक्लूजन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ये बहुत कठिन से टर्म्स हैं, हम सुनते तो हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी क्लियर नहीं होते।
कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। दो ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके बीच में हम इसलिए लगा दें या देयरफॉर लगा दें तो सेंस बन जाएगा, वही प्रिमाइस एंड कंक्लूजन्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बाहर कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए छाता लेके जाना सही रहेगा, बीच में इसलिए आ गया, तो पहला सेंटेंस प्रिमाइस है, दूसरा सेंटेंस कंक्लूजन है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे डेफिनेशन देखेंगे, बहुत कठिन डेफिनेशन मिलेगी, उसका हमको कुछ नहीं करना है, हमको इतना समझना है जिससे हमारा सवाल हो जाए, क्योंकि सब प्रैक्टिकल आता है। तो इतना है आप समझ लें इसमें कि प्रिमाइस जो इसलिए से पहले वाला सेंटेंस है और कंक्लूजन जो इसलिए के बाद वाला सेंटेंस है। तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर हमें यहाँ समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट मतलब प्रिमाइस और कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सिलोजिज्म, एक और टाइप का आर्ग्यूमेंट आता है जिसमें दो प्रिमाइस और एक कंक्लूजन होते हैं। तो जब भी दो प्रिमाइस दिए हैं, आपका क्वेश्चन आता होगा दो प्रिमाइस दिए होते हैं और उसके उसके बेसिस पूछा जाता है कि कौन सा सही ऑप्शन इसमें से कंक्लूजन होगा, वो सिलोजिज्म है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब टर्म से हम डरते हैं, लेकिन बस ये कहने का तरीका है कि आर्ग्यूमेंट मिनिमम दो स्टेटमेंट्स होने चाहिए, प्रिमाइस और कंक्लूजन। सिलोजिज्म मतलब जब दो प्रिमाइस आ जाते हैं और उन दोनों प्रिमाइस के बेसिस पे उसमें से कॉमन चीज निकाल के जब हमें कंक्लूजन निकाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं सिलोजिज्म। दो प्रिमाइस एक कंक्लूजन मतलब सिलोजिज्म, सरल सी बात है। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट पे, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट होते हैं प्रिमाइस में कंक्लूजन में, उसको अगर हम तोड़ें तो एक स्टेटमेंट के अंदर चार चीजें होती हैं। जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट लें ऑल मैन आर गुड, ऐसे ही आते हैं ऑल मैन आर गुड, सम मैन आर नॉट गुड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट्स हम देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। तो ऑल मैन आर गुड को अगर हम तोड़ें तो सबसे पहले आया ऑल, ऑल को हम कहते हैं क्वांटिफायर, तो ऑल की जगह या तो ऑल आ सकता है तो सम आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑल मैन आर गुड हो सकता है, सम मैन आर गुड हो सकता है, तो ऑल और सम क्वांटिफायर हैं। मैन यहां पे सब्जेक्ट है जो कि हर स्टेटमेंट में बदलता है, सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। देन आता है आर या आर नॉट, ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर नॉट गुड, ठीक है। तो आर या आर नॉट कॉपिला होता है जो भी दो टाइप का हो सकता है, यस और नो में, और उसके बाद एंड में आता है प्रेडिकेट यानी कि गुड, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे समझ लें कि हिंदी मीडियम में ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी हिंदी मीडियम में हेल्पिंग वर्ब एंड में आती है क्योंकि हिंदी का स्ट्रक्चर यही है, तो उनका क्या होता है कि कॉपुला बाहर आ जाता है और प्रेडिकेट अंदर आ जाता है। माफ कीजिएगा अगर आपको बहुत ये फास्ट लग रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूँ कि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको बिल्कुल आराम से मैंने समझाया गया है, समझाया है, ऊपर आई बटन से वो वीडियो आप क्लिक करके देख लीजिएगा अगर आपको अभी चीजें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। तो चार पार्ट होते हैं, यही स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, और इन चार पार्ट से चार टाइप के अलग अलग प्रोपोजिशंस बनते हैं। AEIO, ए मतलब ऑल मैन आर गुड, ऑल लगा है और आर के बाद नॉट नहीं लगा, तो यूनिवर्सल और पॉजिटिव, क्योंकि नॉट नहीं लगा और ऑल लगा है इसलिए यूनिवर्सल। फिर आता है ऑल मैन आर नॉट गुड, तो आर नॉट लग गया, ऑल लगा है यूनिवर्सल, एंड उसके बाद नॉट लगा है नहीं नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ऑल मैन आर नॉट गुड को ग्रामेटिकली बोलते हैं नो मैन आर गुड, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ऑल मैन आर नॉट गुड मतलब नो मैन आर गुड। उसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलर में आता है सम मैन आर गुड, पर्टिकुलर पॉजिटिव, एंड देन आता है सम मैन आर नॉट गुड यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये AEIO है, यहां पे आप देख सकते हैं AEIO, बस इतना सा आपको समझना था, ये इसके अंदर अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने आई बटन पे ऊपर दिया हुआ है वीडियो, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत धीरे धीरे मैंने उसको समझाया है। अगला हमारा पॉइंट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स वैलिडिटी की अब बात कर लेते हैं। जैसे अगर सिलोजिज्म की अगर हम बात करें, हमको पेपर में भी आता है, दो प्रिमाइसेस आते हैं उनके बेसिस में हमको कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान दें कि जो भी चीज टेक्स्ट में लिखी है, सेंटेंसेस में लिखी है, उसको समझना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल है, उसके बेसिस पे हमको आगे कंक्लूजन निकाल पाना थोड़ा हमको डिफिकल्ट पड़ता है। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि रीजनिंग में भी अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन में भी हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, डायरेक्शन में भी टेक्स्ट में दिया रहता है क्वेश्चन, उसको देख के हमको डायग्राम बनाना पड़ता है, तभी हमें बात समझ में आती है। मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर वर्बली दी है उसमें से हमको कंक्लूजन ड्राइव करना है, आंसर निकालना है, तो डायग्राम तो बनाना ही बनाना पड़ता है। यही काम यहां पे वेन डायग्राम करता है। वेन डायग्राम मतलब है कि जब हमारे पास प्रिमाइसेस दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना है, तो वेन डायग्राम बनाना जरूरी है। जब आप वो रेखा चित्र बनाते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो ही उसमें से आप चीजें निकाल सकते हैं। इसकी भी एक विधि है, ऊपर जो वीडियोस दी हैं उसमें आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम पे मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहां पे वेन डायग्राम के बाद
मेजर माइनर मिडिल टर्म्स मूड्स एंड फिगर्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मूड्स एंड फिगर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, मेजर माइनर मिडिल टर्म से क्वेश्चन आते हैं और ये सिलेबस में नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे लाल से मैंने लिखा है। मेजर माइनर और मिडिल टर्म को आराम से समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपको एक सिलोजिज्म दिया होता है या दो प्रीमाइसेस दिए होते हैं, जैसे बोले हैं हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल मैन आर गुड और सम मैन आर ग्रेट, या हम कहें कि सम मैन आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ऊपर का सेंटेंस हमारा क्या था, ऊपर का स्टेटमेंट क्या था, ऑल मैन आर गुड सम मैन आर नॉन वेजिटेरियन। अब यहां पे आप देख लीजिए कि ओके सो वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो यहां पे आप देख लें कि जैसे हमने सेंटेंसेस लिए तो ऊपर और नीचे दोनों प्रीमाइसेस में मैन कॉमन है, तो जब भी दो प्रीमाइसेस में एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कुछ भी आपस में अगर कॉमन है तो मिडिल टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो उसके बाद जो प्रीमाइस वन में जो टर्म बचा वो हमारा हो जाता है मेजर टर्म, और जो प्रीमाइस टू में हमारा टर्म बचा मिडिल टर्म के अलावा, कॉमन जो दोनों में टर्म था उसके अलावा, वो हो जाता है हमारा माइनर टर्म। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म मतलब जो दोनों प्रीमाइसेस में एक ऐसा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है जो कॉमन हो आपस में, वो मिडिल टर्म हो जाता है, बाकी ऊपर जो बचा वो मेजर है और नीचे जो बचा वो माइनर है। ओके आगे बढ़ते हैं मूड्स एंड फिगर्स पे। फिगर्स की बात करें तो अब आप देखें कि ऊपर जो टर्म्स आते हैं सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पे आ सकते हैं, नीचे जो टर्म्स आते हैं नीचे वाले प्रीमाइस पे वो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पे आ सकते हैं। तो अब इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर एक कॉमन टर्म सब्जेक्ट पे आए नीचे प्रेडिकेट पे आए, हो सकता है ऊपर प्रेडिकेट पे आए नीचे सब्जेक्ट पे, हो सकता है दोनों पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आए दोनों पे प्रेडिकेट प्रेडिकेट पे आए। इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं और उन फिगर्स को भी अगर हम अप्लाई करें ए ई आई ओ पे तो उसके बहुत सारे न्यूमरस टाइप के मूड्स हो सकते हैं, जिसको मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं बताऊंगा कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन यहाँ पे जो टर्म दिया है मेजर टर्म माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म, इसको आप समझ लेना या कहीं आपको नोट्स में दिखता है और आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड इमीडिएट इन्फ्रेंस। इमीडिएट इन्फ्रेंस से क्वेश्चन बनते हैं, पता नहीं क्यों सिलेबस में दिया नहीं था, लेकिन आप यहां पे ध्यान से देख लें, ये इमीडिएट इन्फ्रेंस समझना बहुत जरूरी है। आइए समझ लेते हैं सब क्या चीजें होती हैं। देखिए हमने अभी भी बात की कि जो स्टेटमेंट होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू होती है, यानी कि कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। फिर हमने बात की कि दो चार टाइप के ये स्टेटमेंट्स हो सकते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिनको कहते हैं ए ई आई ओ। अब क्या है कि ये जो ए ई आई ओ हैं इनका ट्रूथ जो वैल्यूज हैं एक दूसरे के जो ट्रूथ वैल्यूज हैं इनके इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ऑल मैन आर गुड, अगर ये ट्रू है मतलब ऑल मैन आर गुड मतलब सभी मैन अच्छे हैं ये सच है, तो क्या सम मैन आर गुड सही ट्रू होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर सभी अच्छे हैं तो कुछ तो अच्छे होंगे, मतलब अगर मैं बोलूं कि सभी फल यहां जो पड़े हैं वो खराब हैं तो कुछ फल भी खराब होंगे क्योंकि सभी खराब हैं। तो इसका मतलब अगर ऑल वाला ट्रू है तो सम वाला तो ट्रू होगा ही होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, यानी कि सम वाला अगर ट्रू है, यानी कि अगर हम बोलूं कि सम मैन आर गुड ट्रू है तो ऑल मैन आर गुड ट्रू नहीं होगा क्योंकि हम यहां पे सम की बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए कुछ रिलेशन होता है, मतलब एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू होगा, लेकिन अगर ये दूसरा वाला ट्रू है तो जरूरी नहीं कि एक वाला ट्रू हो। तो ये हमारा आता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और इमीडिएट इन्फ्रेंस। तो ऐसे काफी सारे सवाल आपने अपने पेपर में देखे होंगे कि उसमें पूछा जाता है कि भाई अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो इसमें से कौन सा सेंटेंस फॉल्स होगा। तो जो ट्रू और फॉल्स का सारे प्रोपोजिशन के बीच में रिलेशन है उसी को हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और इमीडिएट इन्फ्रेंस से समझते हैं। वीडियोज मैंने दिए हैं आई बटन पे, उसको आप क्लिक करके और डिस्क्रिप्टिवली उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे हम क्या क्लियर कर रहे हैं, यहां पे हम वर्ड मीनिंग्स क्लियर कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें आनी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज की। फैलेसी मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं वो आपको सही लगता है लेकिन उसमें कुछ फैलेसी होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो काफी टाइप की फैलेसीज होती हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में भी होती हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं, इसकी अभी आगे बात करेंगे, तो उसको भी समझना जरूरी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कभी कभी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे है यूजेस ऑफ लैंग्वेज में हम बात करते हैं कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स के। तो बड़े बड़े टर्म्स हैं, इस वीडियो से हम इन्हीं टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं कि बड़े बड़े टर्म्स आकर होते क्या हैं। तो कॉनोटेशन डिनोटेशन क्या होता है समझ लें,
किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग जो है, वो डिनोटेशन होता है। जैसे अगर हम एक वर्ड लें ड्रैगन, तो ड्रैगन का डिनोटेशन क्या है कि भाई एक छिपकली जैसा बड़ा सा एक जानवर जिसके मुंह से आग निकलती है, जिसके पंख होते हैं, वो उड़ता है, वो हमारा ड्रैगन होता है। ये डिनोटेशन है, ये आप कहीं भी जाएंगे आपको यही डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कॉनोटेशन आपका कल्चर स्पेसिफिक हो सकता है, यानी किसी चीज़ को किसी कल्चर में अच्छा मान सकते हैं, उसको अच्छी नज़र से देखा जा सकता है, किसी कल्चर में किसी चीज़ को बुरी नज़र से देखा जा सकता है। तो ड्रैगन इंडियन और वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो ड्रैगन मतलब कोई डरावना सा जीव जिससे कि जान का खतरा हो सकता है, लेकिन चाइनीज कल्चर में ड्रैगन का जो कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव है, यानी ड्रैगन मतलब गुड साइन, ड्रैगन मतलब एक पावरफुल देवता जो कि आपकी रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा, आपका गुड लक है। तो कॉनोटेशन मतलब जो कल्चर स्पेसिफिक है बदलता है, और डिनोटेशन मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है। आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो ये हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं अजर्शन रीजन की। ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया गया है, ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, काफी ज्यादा मदद कर रहा है बच्चों की, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर अजर्शन रीजन आपका वीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये हमारा यहाँ पे आ गया है, इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है, तो इसके बारे में मैंने सारे जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ बता रहा हूँ सबकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, डिडक्टिव मतलब होता है जनरल टू पर्टिकुलर, कोई जनरल सी बात है, मतलब कोई सार्वभौम में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे एक सार्वभौम में सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर चीज एक ना एक दिन खत्म होनी है, कोई भी चीज एवर लास्टिंग इस दुनिया में है ही नहीं। वो फिर अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ले लो, जैसे कि आप अपना शरीर ले लो तो वो भी एक दिन जाएगा, अगर आप अपना फोन ले लो तो वो भी एक दिन जाएगा, अगर आप अपना घर ले लो या कुछ भी है, वो चीज हमेशा एक ना एक दिन खत्म होनी है, चाहे वो हमारी फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, हर चीज एक ना एक दिन खत्म होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, हमने डिडक्टिव करा, यानी जो जनरल चीज थी, एक जनरल बात थी, उसको पर्टिकुलर जगहों पे लगाया। इसके उलट एक जानने का तरीका होता है चीजों को, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव, यानी पर्टिकुलर चीजों को देख देख के कॉमन टर्म निकालना और उससे एक जनरल स्टेटमेंट बना देना। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने मिर्च देखा कहीं पे, मतलब मैंने इंडिया में गया, मैं किसी स्टेट में रुका, मैंने मिर्च देखा हरे रंग का था, फिर कहीं गया फिर हरे रंग का था, फिर मतलब मैंने पूरा इंडिया घूम लिया और मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया कि भाई देखो मिर्च जो है वो हरे रंग का ही हो सकता है। अब इंडक्टिव में क्या है कि इंडक्टिव जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो इंडक्टिव कंक्लूजन होता है वो बदल सकता है। जैसे अगर मैं भाई इंडिया के बाहर चला गया, अब बाहर गया मैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां तो लाल रंग का भी मिर्च था, पीले रंग का भी मिर्च था, ठीक है, हर टाइप के अलग अलग कलर के मिर्च थे। अब ये धीरे धीरे बदलेगा जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इंडक्टिव मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से, पर्टिकुलर जगह से जो एक्सपीरियंस लेते जाते हैं उससे हम जो कंक्लूजन निकालते जाते हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। ठीक है, तो ये सरल सी चीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव इंपॉर्टेंट चीज है। आगे नए सिलेबस में हमारा ऐड हुई है दो चीजें, एक है एनालॉजीज जो कि सिलेबस में लिखा था, और दूसरी है ऑड मैन आउट, और इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। एनोलॉजीज और ऑड मैन आउट आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एनोलॉजी मतलब कि अगर लिखा है कि बोल इज टू वाटर, यानी कि सॉरी बोल इज टू सूप, अगर लिखा है कि भाई कटोरे में सूप पिया जाता है, देन यहाँ पे हमको दिया है ग्लास और वन ऑफ द ऑप्शन दिया है वाटर, तो वाटर सही हो जाएगा क्योंकि रिलेशन बिठाना है। अगर हमें बोल और सूप का रिलेशन दिया है और यहाँ हमें केवल दिया है ग्लास, और ग्लास में ऑप्शन में एक ऑप्शन हो सकता है वाटर, और इसलिए ग्लास और वाटर इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज पता होगी। उसके बाद एक चीज आ रही है ऑड मैन आउट, मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको बोलना होगा कि क्या चीज इन चार ऑप्शन में बिल्कुल अलग है, उसको छांटो, वही सही आंसर होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उसमें चार ऑप्शन दिए थे, ब्यूटीफुल, रेयर, एक्सेप्शनल और यूनिक। तो अब यहां ध्यान दें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो या हिंदी अच्छी हो, जो भी आपके ऑप्शन आप देखें, तो उसमें यूनिक, एक्सेप्शनल और रेयर का मतलब एक ही है कि मतलब ये बिल्कुल हटके है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, हालांकि ब्यूटीफुल को भी हम जनरल टर्म्स में एक्सेप्शनल कह सकते हैं कि भाई अच्छा है तो एक्सेप्शनल है या ब्यूटीफुल है, लेकिन एक्सेप्शनल का मतलब क्या है, रेयर या यूनिक, तो वो एक अलग ग्रुप है, केवल ब्यूटीफुल एक अलग टर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पेज पे आते हैं, इंडियन लॉजिक की। ये नया ऐड हुआ है, और जब ये नया ऐड हुआ तो बहुत ज्यादा एक डर व्याप्त हुआ चारों ओर कि भाई ये क्या चीज है, हमें समझ नहीं आती। काफी सारे मॉक टेस्ट इस पे बने, प्रैक्टिस कराई गई, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ आ नहीं रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं आ रही जिसके मॉक टेस्ट बने, जिसकी प्रैक्टिस हुई। इससे बहुत सरल चीज़ें आती हैं,
और आइए इनको हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इंडियन लॉजिक में ये सबसे पहले तो बात करते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज यानी प्रमाणास की। प्रमाणास, प्रमाणास मतलब प्रमाण, प्रमाण मतलब सबूत। तो हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस हमारा तभी कहलाता है जब हमें उसका प्रमाण मिला है, इसलिए इसका नाम प्रमाण है कि कई तरीके हैं जिससे कि हम चीज़ों को समझते हैं या जिससे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हमारा प्रमाण हो जाता है कि हाँ चलो ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की। और उसके कई टाइप इंडियन लॉजिक में दिए गए हैं, जैसे परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, इसके हिंदी शब्द भी यहाँ पे दिए हुए हैं। बिल्कुल ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छा वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक में ऊपर दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक आपको वहां से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नई चीज एक और है, इसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमानास। तो यहाँ अनुमानास ये सेकेंड टाइप यहाँ पे था, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है और ये तीन टाइप का होता है, साध्य, पक्ष और हेतु। ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर अनुमान के होते हैं और ये कुछ अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज है। मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, इन्हीं को हम हिंदी में कहते हैं साध्य, पक्ष और हेतु। तो डराने वाली बात है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा हम डर जाते हैं नई टर्मोलॉजीज देख के। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया क्या क्या टर्मोलॉजीज हैं और कैसे उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बाद हम बात करते हैं व्याप्ति और हेत्वाभावास। ये दो चीजें यहाँ पे, दो काइंड्स जो है अनुमान के दिए हैं। तो व्याप्ति मतलब होता है इनवेरिएबल रिलेशन। तो आप देखते हैं व्याप्ति का मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो दो प्रिमाइस दिए होते हैं उसके बेसिस में हमें कंक्लूजन निकालना होता है। अब यहाँ पे जो व्याप्ति है वो कंक्लूजन में होनी चाहिए। व्याप्ति को एक अलग टर्म बना दिया गया है कि अगर कंक्लूजन में व्याप्ति नहीं है तो आप रिलेशन नहीं बिठा पाएंगे। ठीक है, तो व्याप्ति अगर होगी, व्याप्ति के कारण ही आप कंक्लूजन को डिटरमाइन कर पाते हो दो प्रिमाइसेस या एक प्रिमाइस में से। तो इन दोनों के बीच में, प्रिमाइस और कंक्लूजन के बीच में रिलेशन है जिससे कि आप एक रिलेशन उनके बीच में बना पाते हो, उसी को हम व्याप्ति कहते हैं। उसके बाद है हेत्वाभावास, मतलब फैलेसीज और फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस। तो जैसे हमने फैलेसीज के ऊपर बात की थी आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, वैसे ही अजर्शन और रीजन के भी में भी फैलेसीज होती हैं, उन्हीं को हम हेत्वाभावास के अंदर लाते हैं। ये चार टाइप की होती हैं, फैलेसी ऑफ ट्रिवियल रीजन, फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन, फैलेसी ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी रीजन एंड फैलेसी ऑफ रॉन्ग रीजन, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, लगभग 22-23 मिनट हो गए हैं। और बस ये है कि अगर आपको ये वर्ड्स कहीं दिखते हैं, और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो ये चार टाइप की फैलेसीज हैं जो कि अदर्शन रीजन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फैलेसी लगी है, क्योंकि अदर्शन रीजन रॉन्ग होता है, मतलब एक तरीके से कहने की ट्रिक है जिससे कि हमें लगता है कि सही दिया है लेकिन उसमें फैलेसी होती है, उसमें गलती होती है। तो आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं वो अलग है, और ये जो अदर्शन रीजन में होती हैं ये अलग गलतियां हैं। ठीक है, तो उसी को हेत्वाभावास के अंदर रखा गया है। तो गाइज ये है कंप्लीट सिलेबस वर्बल रीजनिंग का। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि पढ़ने को इसमें बहुत ज्यादा है और बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं। तो ऊपर वीडियोस जो दिए हैं वो भी आप मेक श्योर देख लीजिएगा, और भी चीजें सर्च करते रहिएगा। अब आपको टोटल क्योंकि आइडिया हो गया कि भैया टर्म्स कौन कौन से देखने हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। तो बस इस वीडियो का एम यही था कि चीज़ें आपको समझ आ जाएं, क्लियर हो जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो गाइज अगर वीडियोस, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हमें अप्रिशिएट करें। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि काफ़ी बच्चों को फ्री में इंफॉर्मेशन मिल पाए। और चाहें ऐसी वीडियोज अगर आपको चाहिए इन फ्यूचर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।